दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन नहीं करनी चाहिए, या आपको खरीद करके नहीं लेके आनी चाहिए, ताकि आपके घर से कभी बरकत ना जाए। अगर आपने इन चीजों का इस्तेमाल किया, लेकर आए, या फिर आपने किसी को दान दी, या दिवाली के दिन आप लेकर आए और दान दे दी, या फिर आपने कहीं भी फेंक दी, तो दोस्तों आपको आर्थिक रूप से तंग होने से कोई नहीं बचा सकता है। लक्ष्मी जी आपसे अवश्य रूठ जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सारी जानकारी हासिल करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय माता दी अवश्य लिखें, और वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। दोस्तों दिवाली का त्यौहार आते ही बाजार नए सामानों से भर जाता है, ये सभी तो आप जानते ही हैं, और लोग धनतेरस के दिन बहुत सारे सामान खरीदते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सामान खरीदना बहुत ही शुभ है। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम होगा कि धनतेरस के दिन कुछ ऐसे सामान है जिसे खरीदने से देवी माँ नाराज हो जाती है। इसलिए आज हम आपको उन्हीं सामान के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप भूल कर भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। पहला है दोस्तों लोहा। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोहा या लोहे से बने सामान को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। और यदि आपको लोहे का सामान खरीदना ही है तो आप धनतेरस वाले दिन ना खरीद करके किसी और दिन आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी चीज के बारे में। दोस्तों दूसरी चीज है खाली बर्तन। जी हाँ दोस्तों, बर्तन आदि तो आपको खरीदने की सलाह सभी देते हैं, लेकिन आपको यह बात कोई भी नहीं बताएगा कि आपको धनतेरस वाले दिन खाली बर्तन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। खाली बर्तन धनतेरस के अवसर पर अगर आप बर्तन खरीदते हैं, और बर्तन खरीदना शुभ भी होता है, लेकिन जब भी आप बर्तन खरीदें तो उसे खाली घर लेकर के ना आए, बल्कि उसमें थोड़ा सा अनाज या फिर पानी भरकर ही अपने घर लेकर आए। तीसरी चीज है दोस्तों, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आप स्टील के बर्तन खरीदकर कॉपर या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं, यानी कि स्टील का बर्तन आप ना खरीदें और सोने की चीज भी आप ना खरीदें, आप कॉपर या तांबे या पीतल की चीज खरीदें। सबसे शुभ होता है दोस्तों चांदी या फिर पीतल। चौथा है दोस्तों काले रंग की वस्तुएं ना लाएं। काला रंग हिंदू धर्म में दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या फिर काले रंग की कोई भी चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर हो सके तो आपको नीले रंग के वस्त्र या फिर नीले रंग की वस्तुएं भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार के लिए नीली खरीद ले कोई बात नहीं, लेकिन काली बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। पांचवी चीज है दोस्तों नकली सोना। धनतेरस के दिन लोग सोने और चांदी की ज्वेलरी या फिर सिक्का खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप भूल से भी नकली सोना या फिर नकली चांदी धनतेरस के दिन खरीद करके ना लेकर आए। अगली चीज है वाहन। अक्सर जब भी लोग गाड़ियां आदि या वाहन खरीदना चाहते हैं या गाड़ियां खरीदनी होती हैं, तो वह धनतेरस के दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन यदि मान्यताओं की माने तो आपको गाड़ी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। उस दिन गाड़ी के दाम का भुगतान धनतेरस के पहले ही कर दे। गाड़ी खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है, और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को किसी और के हाथों में देना ये उचित नहीं होगा। इसलिए अगर आप धनतेरस वाले दिन आप गाड़ी खरीदना ही चाहते हैं या फिर आप उस दिन वाहन लेकर ही आना चाहते हैं, तो आप उसका भुगतान या तो एक दिन पहले कर दें या एक दिन बाद में कर दें, लेकिन धनतेरस वाले दिन आप कोई भी नकद का या फिर पैसे का भुगतान ना करें। सातवीं चीज है धारदार हथियार। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन धारदार वाली वस्तुएं जैसे कि चाकू या फिर खेत दराती आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। आठवीं चीज है दिवाली के दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, इसलिए आप धनतेरस के दिन हो सके तो तेल या फिर रिफाइंड ऑयल घर पर लेकर आए। यदि आप यह गलती करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा, यानी कि धनतेरस के दिन आप तेल और रिफाइंड आदि ना लाएं, या तो आप उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद में लेकर आए। और नौवीं चीज है शीशा। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस वाले दिन शीशे से बनी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शीशे को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कोशिश करें धनतेरस के दिन शीशे की वस्तु ना खरीदें। दसवीं चीज है दिवाली के अवसर पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को उपहार देना पसंद करते हैं, लेकिन आप उपहार धनतेरस के एक दिन पहले ही दे दें और धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना दें। इसलिए यदि आप अपने दोस्तों को उपहार देना चाहते हैं तो दिवाली के या धनतेरस के दिन उससे पहले ही दे दें, आप उस दिन बिल्कुल भी ना दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपको धनतेरस पर क्या लेकर आना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों यूं तो भारत में त्योहारों की कोई कमी नहीं है,
हर महीने कोई ना कोई त्योहार जरूर मनाया जाता है, लेकिन अगर बात दिवाली की करें तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल होता है। दिवाली अपने साथ फेस्टिव सीजन लेकर आती है, यानी त्योहारों का मौसम लेकर आती है, जिसमें कई सारे त्योहार एक साथ होते हैं, जैसे कि धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, दीपावली। दीपावली जैसे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दिवाली से ठीक पहले धनतेरस भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग काफी खरीदारी करते हैं। इस बार धनतेरस का त्योहार आने वाला है। शास्त्रों और प्रचलित मान्यताओं को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस दिन कुछ खास चीजों की आपको खरीदारी करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जी हाँ, धनतेरस के दिन कुछ अचूक से और कुछ अजीब सी चीजें घर लाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर धनतेरस के टोटके कौन से हैं, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आपको ये बताते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदने से आपको धन लाभ होगा और क्या ना, और क्या आपके घर में हो तो आपको धन की हानि भी हो सकती है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे बरकरार रह सकती है। पहली चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना चाहिए, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जी हाँ, साबुत धनिया के पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आप धनिया से करें और इसको वहीं रहने दें दिवाली तक, और दिवाली के अगले दिन आप इसे किसी गमले में ले जा करके छिड़क दें। इसे पूरे साल अपने घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहेगी। दूसरी चीज है कि यदि धनिया आपका अच्छे ढंग से उग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है। लेकिन अगर वो मर गया है या फिर अच्छे ढंग से नहीं उगा है, वो नहीं उग पाया है, तो समझ लीजिए आपके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है और वह रूठ चुकी है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी चीज है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति। कई लोग या तो दिवाली के दिन या फिर उससे पहले ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए? यह बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने से घर में साल भर पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है, और इसके अलावा आपके घर से सभी प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अब तो तीसरी चीज हम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही रोचक है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी जरूर करें। दोस्तों तीसरी चीज है आभूषण। जी हाँ दोस्तों, आभूषण खरीदने से घर में सुख शांति बनी रहती है और इसके अलावा घर परिवार में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन सोना या चांदी से बड़ा कोई भी चीज जरूर खरीद सकते हैं ताकि पूरे साल आप पर कोई भी मुसीबत ना आए। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप हो सके तो आप चांदी, तांबा, पीतल या अन्य कोई धातु खरीदें, लेकिन सोने को ना खरीदें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप सोना खरीदना ही चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको चांदी ज्यादा फल देगी। दोस्तों चौथी चीज है शंख। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन शंख खरीदने और दिवाली के दिन उसकी पूजा करने से माता लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में आने वाली सभी मुसीबतें आसानी से टल जाती हैं और हमेशा ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, वाहन सुख आदि कभी भी आपके लिए कभी कम नहीं होता। कर्जे आदि की आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होती है। आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। पांचवी चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य चीज है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने और दिवाली के दिन झाड़ू सफाई करें, इससे माता लक्ष्मी काफी खुश हो जाती है। इसके लिए आपको बस यह करना होगा कि जिस दिन दिवाली हो या धनतेरस हो, उस दिन कोई आप बाहर का आदमी आपको ना दिखे ताकि आपको पूरा फल आपको मिल जाए। उस दिन आपको ये धनतेरस वाले दिन आपको ये झाड़ू खरीद कर लेकर आनी है और इसको अपने घर में कहीं छुपा करके रख देना है, लेकिन साफ सुथरे स्थान पर आपको इसे छुपा करके रख देना है। और आपको दिवाली के दिन सुबह जब सूरज निकल जाए तब आपको इससे अपने घर की सफाई करनी है। ध्यान रहे कि आप शाम के समय इस झाड़ू से सफाई नहीं करेंगे। और दोस्तों आप ध्यान रहे कि आपके घर में उस वक्त बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, इससे आपके आपको पूरा फल प्राप्त होगा और लक्ष्मी जी की कृपा विशेष प्राप्त होगी। और दोस्तों आखिरी चीज है नमक। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक खरीदने से और दीपावली के दिन
इसका इस्तेमाल करने से पूरे साल धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। जी हाँ, इस धनतेरस पर आप अपने घर नमक का नया पैकेट अवश्य लेकर आए। नमक आप कोई सा भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप जरूर लेकर आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दमे ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली, और अपना हर रोज का राशिफल देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय बजरंगबली।